अगर बोर्ड एग्जाम में आप पास होना चाहते हैं और आपको कुछ भी नहीं आता है, आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी लाना चाहते हैं, तो आप पास होने का मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी। और अपने ट्रिक से अगर आप इसे ध्यान दें तो आप, मेरा पूरा विश्वास है कि आप अच्छे नंबर ले आ पाएंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आजकल लोग पढ़ाई से ज़्यादा फ़ोन पे ध्यान देने लगे हैं। अगर ये हमारा फ़ोन चलाना कम हो जाए तो हमें आसानी से अपने एग्ज़ाम में नंबर हम ला सकते हैं। तो मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगी, अगर आप इन अपनी हैबिट को अगर आप चेंज कर देंगे तो 4-5 महीने में अगर आप ये थोड़ा बहुत भी चेंजिंग ला देंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में पूरा नंबर ले आ पाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि मैं जो बातें बता रही हूँ उस बातों पर आप थोड़ा भी, केवल ज़्यादा नहीं, 1% भी अगर ध्यान देंगे तो मैं रियली कह रही हूँ कि आप अच्छे नंबर ले आ पाएंगे। जैसे कि है, पहला, पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर ही करें, बिस्तर पर लेटकर बिल्कुल ना करें। ये हमेशा होता है कि अब का जो जनरेशन चल रहा है, वो बच्चे हो चाहे कोई हो, वो स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि वो कुर्सी और टेबल पे बैठ के अब पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं, अब पढ़ाइयाँ केवल बिस्तर में सोकर होता है। और सोने का मतलब कि केवल फ़ोन चलाना। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो हमेशा पढ़ाई कुर्सी टेबल पर ही करना चाहिए, बिस्तर पर लेटकर बिल्कुल पढ़ाई ना करें। सेकेंड आती है बात, पढ़ते समय टीवी या रेडियो न चलाएं। पढ़ाई करते समय आप केवल ज़्यादा नहीं, केवल 1-2 घंटे का टाइम निकाल के आप केवल पढ़ाई करिए, और उसमें ना फ़ोन चलाइए, ना टीवी देखिए, ना रेडियो सुनिए, यानी कि कुछ भी मत करिए। मनली मन हमें करना क्या है, केवल पढ़ाई ही करनी है, इसके अलावा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। और घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस सब कुछ भूल जाइएगा। यानी कि उस टाइम आपको केवल याद रहे कि केवल मेरी पढ़ाई है, और पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ें हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। वनली 24 घंटे में केवल 2 घंटे ही अगर आप कंटिन्यू लगातार पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट बातें आती हैं कि पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर रखें। मतलब कि जब हम पढ़ाई करते रहते हैं, साइड में फ़ोन रखे रहते हैं, अगर हमारा फ़ोन साइलेंट होगा तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि हमारे फ़ोन पे मैसेज आ रहा है कि क्या हो रहा है। आजकल केवल इंस्टाग्राम और फेसबुक, सबसे ज़्यादा तो लोग यूट्यूब शॉर्ट वीडियो देखने के लिए ही में ही मस्त हैं। तो हमें अपने फ़ोन को अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है कि स्विच ऑफ ही कर देना चाहिए, ना नोटिफिकेशन आएगी ना उस पर हम मेरा ध्यान जाएगा। सेकेंड आता है कि पढ़े हुए बिंदुओं को लिखते जाएं, जिससे आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और भविष्य के लिए नोट्स भी बनते जाएंगे। यानी कि आप जितने चीज़ पढ़िए, एक दिन में 1/2 घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसे आप उस टॉपिक को लिख दीजिए, एक हेडिंग बनाकर कि आज हमने ये पढ़ा। और उसे जो कुछ भी पढ़िए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयारी करिए, ताकि ये आपका निश्चित रहे कि ये हमें पूरा कंफर्म हो गया, याद हो गया, और उसका आप एक नोट बना लीजिए। अध्ययन सामग्री को कम से कम 3 बार ज़रूर पढ़ें। अध्ययन जो सामग्री है आपकी, कम से कम 3 बार ज़रूर पढ़ें। मतलब कि आप जिस चीज टॉपिक को ले रहे हैं उसे 1-2 बार नहीं, 3-4 बार पढ़िए उसे, ताकि जब तक वो आपको अच्छे से समझ में न आ जाए तब तक आप उसे पढ़ते रहिए। नेक्स्ट आता है कि रटने की प्रवृत्ति से बचें, जो भी पढ़ें उस पर विचार मंथन करें। यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे आपको रट रट के, चिल्ला चिल्ला के, यानी कि तेज़ आवाज़ करके नहीं पढ़ना है। उसे आप बिल्कुल मन में पढ़ें, उस चीज़ को समझें कि आखिर लिखा क्या है। रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, रटा नहीं जाता है, उस चीज़ पे विचार मंथन किया जाता है, यानी कि उस चीज़ को अच्छे से समझा जाता है। अगर एक चीज़ें ध्यान से अगर समझ लेंगे, मन लगा के अगर केवल मन में विचार कर लेंगे, तो वो चीज़ें आपकी कभी नहीं भूलेंगी। अगर जो चीज़ें आपको
केवल रटने से याद हो रही है तो वो गारंटी है कि आप केवल एक दो दिन बाद उसे भूल जाएंगे, केवल वो एक दिन तक ही याद रहेगा। बट अगर आप उसे ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो आपको पूरे के पूरे याद रहेंगे। इसलिए हमेशा मन लगा के पढ़ना चाहिए, रटने की प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आती है कि शॉर्ट नोट्स बनाएं जो परीक्षा के समय काम आ सकें। यानी कि हमेशा हमें छोटे छोटे ही नोट्स बनाने चाहिए ताकि वो हमें जो एग्ज़ाम में आ सके, जो आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसी नोट्स को हमेशा हमें पढ़ना चाहिए और उसका हमें एक जगह लिख कर रखना चाहिए कि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा करते जाएंगे डेली का डेली तो आपकी एक नोट्स तैयार होती जाएगी, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली। आप उसे जब भी एग्ज़ाम आए तो आप केवल उतना ही पढ़िए जितना कि आपने नोट बना रखे हैं। सेकेंड आता है कि पढ़ी हुई सामग्री पर अपने मित्रों से विचार विमर्श करें, समूह चर्चा फायदेमंद होती है। और जो पढ़ी हुई सामग्री, मतलब कि जो आप टॉपिक एक बार पढ़ते हैं उसे ये नहीं कि आप पढ़ लिए और खुद पे ही रखे रहें, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि आज एक बार आप टॉपिक पढ़ लिए एकीकरण, इसे पढ़िए और आप जाइए अपने फ्रेंड के साथ बैठिए तो उसे थोड़ा बहुत करके उस पर विचार विमर्श कीजिए, यानी कि उससे भी अपने फ्रेंड से भी पूछिए ताकि उनको याद है कि नहीं। अगर नहीं याद होगा तो आप थोड़े थोड़े करके अगर आप उनको बताएंगे तो थोड़ा उनको भी याद हो जाएगा और आपका भी रिविज़न हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पढ़े हुए चीज़ को अपने भी फ्रेंड से पूछिए कि क्या आप इसे याद है, क्या आप भी इसे पढ़े हो। ऐसा करेंगे तो आप कभी भी अपनी पढ़ी पढ़ाई चीज़ को कभी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर पाठ्यक्रम से महत्वपूर्ण बिंदुओं को छांट लें और उन्हें अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर पाठ्यक्रम से महत्वपूर्ण बिंदुओं को छांट लें और उन्हें अच्छे से तैयार करें। पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर, यानी कि आपको एक मार्केट में मॉडल पेपर यानी कि अनसॉल्व्ड पेपर मिलता है, आप उसे ले लीजिए। इसमें आपके सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे, तो आपको यही करना है यहाँ पे। और जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं सबको एक एक करके उनमें जो महत्वपूर्ण हैं उसे छांट लीजिए और एक अपनी नोट्स बना के उस पर राइट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है पढ़ाई के समय कुछ भी खाने से बचें, पानी का सेवन भरपूर मात्रा में करें। पढ़ाई करते समय अपने पास एक बोतल में पानी रख लीजिए और उससे आप बार बार एक एक दो दो मिनट पे उसे पीते रहिए। आपको ये थकान भी महसूस नहीं होने देगा। और ध्यान रखें कि पढ़ाई के समय कुछ भी ना खाने से बचें, यानी कि खाते समय आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप केवल अपना मुँह चलाते रहेंगे, ठीक है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? जब आप मुंह में कुछ लिए नहीं रहेंगे तब तो आपका मुंह खाली रहेगा और आप पढ़ पाएंगे। इसलिए आपको कुछ भी नहीं खाना है, केवल पानी का भरपूर मात्रा में यूज करना है। चित्रों, मानचित्रों, ग्राफ, रेखा चित्रों को और याद करने के सूत्रों आदि का प्रयोग करें। इस तरह से आप अधिक समय तक याद रख पाएंगे। आपको अगर सूत्र पता नहीं होगा तो आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा चित्र, मानचित्र, ग्राफ, रेखाचित्र और सूत्र का हमेशा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सूत्र पे ही पूरी किताब डिपेंड होती है। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और अपना बहुमूल्य समय मोबाइल, फिल्मों या दोस्तों को अनावश्यक चर्चा पर जाया न करें। यानी कि आप हमेशा मोबाइल का यूज मत करिए, फिल्म की तरफ ध्यान मत दीजिए और दोस्तों की जो फालतू बातें हैं उस पे तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। और अपनी समय को नियंत्रित रखें, उसे किसी के पास ख़त्म ना करें, बेफिजूल का खर्ची ना करें। सोशल नेटवर्किंग से यथासंभव बचें।
सोशल नेटवर्किंग जो है, समझ रहे हैं आप, मैं बताने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में सब संभव है। जहाँ तक संभव हो इंटरनेट से अध्ययन के बजाय इसका इस्तेमाल महज तथ्यों की जांच के लिए करें। आप ऐसा नहीं है कि सोशल नेटवर्किंग के बीच में ना आए, यानी कि इलेक्ट्रिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बट आपको क्या करना है कि इंटरनेट आजकल तो आम बात हो चुकी है, इसलिए आप हमेशा फ़ोन का अगर यूज करते हैं तो उस क्वेश्चन पे यूज करिए जो आपको नहीं आता है। गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करिए, आपको सारी डिटेल्स में बताई जाती है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है। इसलिए फ़ोन का उपयोग आप करिए, बट अपने यूज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए करिए। अवकाश का उपयोग किसी पुस्तक को समाप्त करने में करें। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो जिस दिन छुट्टी होती है लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा पुस्तक को पढ़ना है। और हजय कहीं भी जाइए, अपनी किताब को लेकर जाइए कि हमें पढ़ना है, तो एक दो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो भी याद हो जाएगी। यात्रा करते समय भी अगर आप पुस्तक खोलेंगे तो कोई ना कोई टॉपिक तो आपको याद हो ही जाएगी। नेक्स्ट बातें आपको ध्यान क्या देनी है, समय बचाने के लिए आप भोजन के दौरान समाचार पत्र पढ़ सकते हैं। केवल मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप पेपर लेके बैठ जाइए, अगर आपका सबसे ज़्यादा मन फोन में लगता है तो आप अपना समय बचाने के लिए समाचार पत्र को पढ़िए, लेकिन उसी को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और आप खाना खाते रहिए और उसे आप देखते रहिए। न्यूज़ का भी पता चल जाएगा आपको, आप खाना भी खा लेंगे और आपका समय भी बच जाएगा। मतलब कि एक कमान से एक ही तीर निकलती है, बट सही जगह पे लगे, यानी कि एक चीज़ में तीन तीन काम करिए आप। कार्यालय तक के सफ़र में रेडियो पर समाचार सुने और समसामयिक पत्रिकाएं पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट आती है, नियमित आत्म विश्लेषण करते रहें, स्व मूल्यांकन में ईमानदारी से अपनी कमियों पर चिंतन करें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। यानी कि आप जब भी बोर्ड एग्ज़ाम दें या फिर किसी चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें खुद को आगे रखिए, चीटिंग करने के लिए नहीं रखिए। और ये नहीं कि हाँ कॉपी में पैसे रख दें, मतलब कि फालतू काम आपको नहीं करना है, केवल आपको ध्यान देना है कि खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हमने पढ़ा है तो मेरा भी उतना नंबर आएगा। ईमानदारी से अपने आप एग्ज़ाम को दीजिए और अपने एग्ज़ाम को पूरा करिए, और जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे रिजल्ट तो आपके सामने ही आएगा, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि हमें किस तरीके से लिखा है कि अच्छे नंबर नहीं आए, तो उसमें आप कमी मत निकालिए, बल्कि कमी खुद पे निकालिए कि हमने क्या गलत काम किया कि हमारा नंबर अच्छा नहीं आ सका। तो मैं कह रही हूँ कि आप पढ़िए, खूब ध्यान पढ़ने पे लगाइए और खूब अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, खुद का भी नाम रोशन करिए और अपनी फैमिली का भी नाम रोशन करिए।